हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में बिल्कुल बने रहिए क्योंकि इस वीडियो में कुछ न्यू ट्रिक्स से हम आपको फोटो एडिटिंग के बारे में सिखाने वाले। तो गाइस, आपने तो ऊपर थंबनेल में देख ही लिया होगा कि कैसा फोटोज़ हमारा एडिट हुआ था। तो फ्रेंड, बिल्कुल ही आज उसी ट्रिक से, उसी अंदाज से हम इस फोटो को एडिट करेंगे सेम जैसा आपने देखा। तो आप भी इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि आप भी बने रहेंगे तो आप ही को सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो अपनी पिक को शेयर कर लेंगे स्नैपसीड के अंदर। तो दोस्तों, आ जाते हैं अपने स्नैपसीड के अंदर। स्नैपसीड के अंदर आने के बाद से फ्रेंड, आपको यहाँ से टूल्स का ऑप्शन दे रहा होगा, तो हमको टूल्स वाले ऑप्शन पर आ जाना है। टूल्स वाले ऑप्शन पर आने के बाद से आपको यहाँ से डिटेल्स का ऑप्शन दे रहा है, तो डिटेल वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। डिटेल वाले ऑप्शन पर आने के बाद से इसे प्लस में हल्का सा कर लेंगे और इसे भी प्लस में हल्का सा कर देंगे। उसके बाद से हमको इतना करने के बाद से फ्रेंड, यहाँ से सही वाले ऑप्शन से डन कर देना है। डन करने के बाद से फिर वापस हम टूल्स वाले ऑप्शन पे आएंगे और टूल्स वाले ऑप्शन पे आने के बाद से आपको यहाँ से एक और भी ऑप्शन दे रहा होगा ट्यून इमेज का, तो यहाँ से शो कर दे रहे हैं। तो फ्रेंड, ये है हमारा ट्यून इमेज का ऑप्शन, तो इसे हम लोग क्लिक कर लेंगे। तो फ्रेंड, इस वाले पे आ जाते हैं। आने के बाद से आपको यहाँ से ऊपर की साइड में ब्राइटनेस का ऑप्शन दे रहा है, तो इसे हम लोग हल्का सा कम कर लेंगे इतना पे फ्रेंड। उसके बाद से यहाँ से कॉन्ट्रास्ट को प्लस में कर लेंगे। उसके बाद से हमको एम्बियंस को प्लस में करना है और उसके बाद से हाईलाइट को कम कर देना है। उसके बाद से शैडो को भी प्लस में कर देना है। इतना करने के बाद से फ्रेंड, हम यहाँ से डन कर देंगे। दोस्तों, इतना करने के बाद से फिर हम वापस यहाँ से शेयर कर लेंगे अपनी पिक को लाइटरूम के अंदर। दोस्तों, आ चुके हैं अपने लाइट रूम के अंदर। तो लाइट रूम के अंदर आने के बाद से फ्रेंड, हमको सबसे पहले तो लाइट वाला ऑप्शन पे आना है। लाइट वाला ऑप्शन पे आने के बाद से हमको एक्सपोजर को हल्का सा कम कर देना है कुछ इतना पे फ्रेंड। तो हम कुछ इतना पे कम कर देते हैं। उसके बाद से हाईलाइट को भी कम कर देंगे इसमें आकर और वाइट को प्लस में कर देंगे। उसके बाद से इतना करने के बाद से फ्रेंड, हम यहाँ से आपको कलर का ऑप्शन दे रहा है, तो ये कलर वाला ऑप्शन पर आ जाएंगे। कलर वाला ऑप्शन पे आने के बाद से फ्रेंड, उसके बाद से आपको यहाँ से एक मिक्स का ऑप्शन दे रहा है, तो हमें मिक्स वाला ऑप्शन में आ जाते हैं। सो फ्रेंड, मिक्स वाले ऑप्शन में आ गए हैं। मिक्स वाले ऑप्शन में आने के बाद से फ्रेंड, आपको बहुत से ढेर सारे कलर का ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ से हम दिखा दे रहे हैं, ये है बहुत से सारे कलर आपको यहाँ से दिखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड, हमको तीसरे नंबर कलर पर आना है और उसके बाद से हमको इसे माइनस में कर देना है और सिचुएशन को भी माइनस में कर देना है। उसके बाद से चौथे नंबर कलर का है, इसे भी हम लोग माइनस में कर देंगे और इसे भी हम लोग माइनस में कर देंगे। फ्रेंड, दोनों को फुल माइनस में कर लेंगे। इतना करने के बाद से आपको आना है फिर दूसरे नंबर कलर पे, तो सेचुरेशन को हम लोग थोड़ा प्लस माइनस 30 कर लेंगे, डिक्रीज कर लेंगे और उसके बाद से लुमिनस को इनक्रीज कर लेंगे कुछ इतना पे। उसके बाद से यहाँ से डन कर देंगे। आपको दिख यहाँ से डन कर दे देंगे। डन करने के बाद से आपको यहाँ से एक टिंट का ऑप्शन दे रहा है ये, तो फ्रेंड हम इसे हल्का सा प्लस में कर लेंगे। इतना करने के बाद से आपको फ्रेंड यहाँ से इफ़ेक्ट्स का ऑप्शन दे रहा है, तो इफ़ेक्ट को प्लस में कर लेंगे आने के बाद से। उसके बाद से क्लैरिटी को भी प्लस में कर लेंगे। उसके बाद से फ्रेंड, हमको डिटेल का ऑप्शन दे रहा है, तो डिटेल वाला ऑप्शन पे चले जाएंगे और अपने फ़ोटोज़ के हिसाब से सब कुछ हमको हल्का हल्का प्लस में रखना है कुछ इस तरह से। तो फ्रेंड, हम फटाफट से प्लस में रख लेते हैं। इतना करने के बाद से फ्रेंड, कुछ इस तरह से हमारा फोटोज एडिट हो जाएगा। एडिट होने के बाद से फिर फ्रेंड, हम वापस अपनी पिक को शेयर कर लेंगे स्नैपसीड के अंदर। दोस्तों, फिर से हम अपने स्नैपसीड के अंदर आ चुके हैं अपने फ़ोटोज़ को लेकर। स्नैपसीड के अंदर आने के बाद से फ्रेंड, हमको टूल्स वाले ऑप्शन पे आ जाना है। टूल्स वाले ऑप्शन पे आने के बाद से हमको फिर से यहाँ से ट्यून इमेज वाला ऑप्शन पे आ जाना है। आने के बाद से हमको यहाँ से नीचे स्क्रॉल करके आना है और सेचुरेशन को हम लोग फुल माइनस में कर देंगे। उसके बाद से यहाँ से सही वाला ऑप्शन से डन कर देंगे। डन करने के बाद से फ्रेंड, हमको ऊपर की साइड में एक तीर का ऑप्शन दे रहा है, तो तीर वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं और आपको यहाँ से
बीप सी एडिट का ऑप्शन दे रहा होगा, तो इसे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से आपको ट्यूनोमेज का फिर से ऑप्शन दे रहा है, तो इसे हम लोग ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद से आपको यहाँ से ब्रश का ऑप्शन दे रहा है, तो ब्रश वाला ऑप्शन पे आ जाएंगे। ब्रश वाले ऑप्शन पे आने के बाद से फ्रेंड कुछ इस तरह से हमारा फोटो दिखेगा, तो इसे इनेबल कर देना है। इसे करने के बाद से हमको फ्रेंड अपने फेस से और कपड़े पर से कुछ इस तरह से इरेज कर लेना है। सो फ्रेंड फटाफट से हम कर लेते हैं। दोस्तों हमने अपने कपड़े और फेस से कुछ इरेज कर लिया है, जो हमारा ब्लैक ब्लैक था उसे हम लोग इरेज कर लिए। इरेज करने के बाद से सही वाले ऑप्शन से डन कर देंगे। सही वाले ऑप्शन से डन करने के बाद से फ्रेंड हमको फिर वापस यहाँ से बैक हो जाना है तीर वाले ऑप्शन से। ऊपर की साइड में ये तीर का ऑप्शन दे रहा है, तो हम फ्रेंड बैक हो जाते हैं। बैक होने के बाद से फिर वापस टूल्स वाले ऑप्शन पर आएंगे, और यहाँ से आपको एक ऑप्शन दे रहा होगा लेंस ब्लर का, तो हम लोग लेंस ब्लर वाला ऑप्शन पे आ जाते हैं और कुछ इस तरह से रख कर ब्लर को इतना पकड़ लेंगे कुछ। उसके बाद से हमको इसे माइनस में कर देना है और इसे भी हम लोग को माइनस में कर देना है। इतना करने के बाद से फ्रेंड सही वाला ऑप्शन से क्लिक कर देंगे, और उसके बाद से फिर से हमको तीर वाला ऑप्शन पर आना है। सो फ्रेंड तीर वाला ऑप्शन पर आ जाते हैं और बीप सी एडिट पर आ जाते हैं। उसके बाद से आने के बाद से फ्रेंड इसे हम लोग खोल लेंगे लेंस ब्लर को। खोलने के बाद से हमको फिर से ब्रश सेलेक्ट कर लेना है। ब्रश सेलेक्ट करने के बाद से फ्रेंड हमको फिर वापस यहाँ से इनेबल कर देना है, और कुछ इस तरह से हम इरेज कर लेंगे। दोस्तों इतना करने के बाद से फिर हम वापस यहाँ से सही वाले ऑप्शन से डन कर देंगे। डन करने के बाद से आपको फिर से गाइज यहाँ से लेंस ब्लर को ओपन करना है। लेंस ब्लर को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद से आपको फिर से यहाँ से मेंटेन वाला ऑप्शन पे जाना है। इधर ब्रश वाले कह रहे हैं गाइज लेंस ब्लर को, तो मेंटेन वाला ऑप्शन पे आ जाते हैं। मेंटेन वाले ऑप्शन पे आने के बाद से आपको ऊपर की साइड में ब्लर को हल्का सा कम कर देंगे अपने। सो फ्रेंड ब्लर को हल्का सा इतना कम कर देते हैं, उसके बाद से सही वाला ऑप्शन से क्लिक कर देंगे। दोस्तों कुछ इस तरह से हमारा हल्का सा बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा। ब्लर होने के बाद से फिर से हमको वापस आ जाना है इस तीर से, तो बैक हो जाते हैं इस तीर से। बैक होने के बाद से फ्रेंड टूल्स वाले ऑप्शन पे आने के बाद से आपको यहाँ से लेंस ब्लर पे आ जाएंगे। फिर से लेंस ब्लर पे आने के बाद से ब्लर को इस बार हमको जीरो कर लेना है, और नीचे की साइड में आएंगे इसे हल्का सा प्लस में कर लेना है, प्लस 50 कर लेंगे। उसके बाद से डन कर देंगे सही वाले ऑप्शन से। दोस्तों कुछ इस तरह से फोटो हमारा एडिट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।